अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होगा। आज मैं आपको अपनी मंथली ग्रॉसरी के बारे में बताऊंगी कि मैं किस तरह अपनी मंथली ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज करती हूँ और किस तरह मैं उसे सेव करती हूँ। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने सारे ये दालें मसाले वगैरह जो जो मुझे आइटम चाहिए थे मैं लिस्ट बना लेती हूँ, फिर उस हिसाब से मैं ले लेती हूँ। कुकिंग ऑयल वगैरह भी, कुकिंग ऑयल में तो बहुत ज़्यादा रेट हो गए हैं, महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन पकाने के लिए तो लेना ही होता है क्योंकि मंथली के हिसाब से हम लेकर आते हैं, पूरा मंथ हम चलाते हैं, फिर उसी हिसाब से हम ये पूरी ग्रॉसरी लेकर आते हैं। जैसे सब्जियां वगैरह भी होती हैं उसमें, सब्जियां ये है कि पूरा महीने की नहीं लेते, एक हफ्ते की ले लेते हैं, और ये चिकन बीफ वगैरह ये मंथली लेते हैं। सब्जियां वगैरह हम ये है कि हफ्ते हफ्ते की ले लेते हैं, या हमारी तो फैमिली छोटी है तो उस हिसाब से हमारे तो 15 दिन भी चल जाती है। बस ये हमारे हो गया था, सारी ग्रॉसरी हो गई थी, फिर ये काउंटर पे बिल करवाया, फिर बस ये हम निकल गए। फिर हम, क्योंकि हमारी तकरीबन 1.5-2 घंटे में हमारी कंप्लीट हो जाती है क्योंकि बच्चों को तो साथ लाते नहीं है, बस ग्रॉसरी वगैरह लेते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। अगर एक्स्ट्रा सामान लेना होता है तो फिर टाइम लगता है, वरना फिर जल्दी ही हो जाती है। बस ये सुबह सुबह हम चले गए थे, बच्चे स्कूल गए हुए थे तो सारा मंथली लेकर आ गए थे, बस आ गए थे हम घर पर। बाकी ये दूध वगैरह भी ले लिया था, ये भी मंथली होता है। बस ये एक डिब्बा निकाल के मैं फ्रिज में रखती हूँ, ये जो सामान फ्रोज़न आइटम है ये मैं फ्रिज में रखूँगी। बाकी ये जो बीफ वगैरह है, चिकन है, वो सारे वॉश करके मैं रखूँगी। ये जो और एक्स्ट्रा सामान मैं लेती हूँ ये भी मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, वनीला लहसुन वगैरह जो। बाकी ये एक्स्ट्रा सामान होता है जो अगर ज़रूरत नहीं होती तो फिर मैं इसमें सेव कर लेती हूँ, अगर फिर ये ज़रूरत होती है तो फिर इसी में से हम लोग निकाल लेते हैं। वैसे तो अभी बॉक्सेस वगैरह में डाल देते हैं तो फिर ये इनकी ज़रूरत नहीं होती, तो फिर मैं ये कबर्ड वगैरह में रख देती हूँ। ये बच्चों के नूडल्स वगैरह भी हैं क्योंकि बच्चे शाम में उनको भूख लग जाए स्नैक्स वगैरह के लिए तो फिर ये होता है, और लंच वगैरह में भी लेकर जाते हैं। फिर बस ये हो गया था, उसके बाद ये बीफ कीमा चिकन वगैरह ये सब वॉश करूँगी, उसके बाद ये थैलियाँ बना लूँगी मैं। ये मैंने वॉश कर लिया है सब चीज़ें, अब जितनी मुझे चाहिए होगी तो उसकी मैं उस हिसाब से थैलियाँ बना के रख लूँगी। बस ये मेरे सारा हो गया था, फ्रिज का सारा आइटम, ये सब्ज़ी वगैरह मैंने ये सेव कर दी है, बाकी सारी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज करके रख दी हैं फ्रिज में जितनी जितनी मुझे चाहिए थी। बस उसके बाद मैंने ये पकौड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ, शाम हो गई थी, खाना वगैरह खा लिया था, समेटते समेटते यही टाइम ज़्यादा हो जाता है, बच्चे भी स्कूल से आ गए थे दोपहर में, तो फिर मैंने वीडियो शूट वगैरह नहीं की थी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। बस ये शाम का टाइम है, शाम के टाइम चाय के साथ ये पकोड़े वगैरह मैंने बना लिए थे। उसके लिए पकोड़ों के लिए मैं ये आलू भी कट कर रही हूँ क्योंकि मैं आलू भी फ्राइज़ की तरह कट करके वो भी पकोड़ों में डालती हूँ। ये मैंने एक प्याज है ये भी मैंने कट कर लिए, ये एक्स्ट्रा थी ये मैंने निकाल दी है, ये वॉश करके मैंने बोल में डाल दिया है। आलू से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं। ये धनिया था, ये पहले वाला धनिया था जो मैंने सेव करके रखा है, ये हरी मिर्च भी पहले वाली थी, ये पुदीना भी क्योंकि अभी जो नया लाए हैं वो फिर बाद में सेव करेंगे, अभी पहले वाला थोड़ा बहुत रखा हुआ है तो बस उसी में से चला रहे हैं क्योंकि मैं सेव कर लेती हूँ चीज़ें तो फिर हो जाती हैं। ये साबुत धनिया है, कुटी हुई मिर्चें हैं, धनिया पाउडर भी है, ज़ीरा पाउडर हो तो डाल दें वरना साबुत भी सही है, हल्दी भी डालूँगी और साथ में मैं बेकिंग सोडा बिल्कुल चुटकी भर डालूँगी। इससे ये है कि हमारे पकौड़े जो हैं बहुत अच्छे सॉफ्ट बनते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते, और हम इसमें इसका ये जो मसाला है ये ज़्यादा रखेंगे और बेसन हम कम ही डालेंगे। पहले सबसे पहले इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, डायरेक्ट बेसन डाल देंगे तो फिर मसाला सही से मिक्स नहीं होता। उसके बाद मैं बेसन लूँगी, मैं बेसन बहुत ज़्यादा नहीं डालती क्योंकि फिर ये मसाले वगैरह नज़र आने चाहिए, वही पकौड़ों में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये मैंने मिक्स किया, अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं मिक्स करती रहूँगी, बहुत ज़्यादा लिक्विड टाइप नहीं बनाऊँगी, थिक सा ही बनाऊँगी। ये देखें सब चीज़ें नज़र आ रही हैं, ऐसे ही मज़ेदार लगते हैं पकौड़े, आप इस तरह का ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़ेदार पकौड़े बनते हैं। और हाथ से ही डालिएगा क्योंकि चम्मच से बिल्कुल परफेक्ट नहीं डाले जाते, इसी तरह थोड़े थोड़े करके डालेंगे हम, फॉक से आगे पीछे कर देंगे ताकि एक कढ़ाई में जितने आ सके हम उतने डाल देंगे। ये मेरी सास की ट्रिक है कि भाई
कढ़ाई को खाली नहीं छोड़ो, भर दो उसे, फिर तेल फिर जलता है तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी जगह बना के उसमें पकोड़े ऐड करते जाएंगे। इस तरह स्पैचुला वगैरह से हम इसको पलट लेंगे। और फिर जब ये देखें मैंने पलट ली हैं, उसके बाद जब हो जाएंगे स्ट्रेनर में निकाल के, फिर उसके बाद ये हमारे पकोड़े बिल्कुल रेडी हैं। बहुत मज़ेदार से बने थे और जायके में भी बहुत मज़ेदार थे। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक फॉलो और शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे।